हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इनफिनिटी। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड इन दिस केस वी हैव टेन एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेन एक्स को डिफाइन करना होगा। चलिए जल्दी से इसको डिफाइन करते हैं। टेन एक्स, तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास छह पार्ट्स होते हैं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये एंगल एक्स है, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके, सो टेन एक्स इज डिफाइंड एज, अगर हम टेन एक्स की बात करें, सो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, सो दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ये हमारा टेन एक्स का डेफिनेशन है। ओके, अब हमें देखना है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो चलिए डोमेन को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक यूनिट सर्कल हम बनाएंगे एक्स वाई एक्सिस में, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सर्कल बना लेते हैं, ये यूनिट सर्कल है। ओके, मतलब यूनिट लेंथ है इसका, मतलब हाइपोटेनस इसका जो रेडियस है वन है। नाउ कोई पॉइंट हम लोग ले लेंगे एक्स एक्स ये सर्कल पे, सपोज दिस इज द पॉइंट पी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से ओरिजिन से इसको मिला दिया, इसे हमने माना ए ओ, इसे मान लेते हैं हम क्यू, ठीक है। सो दिस इज एक्स, एंगल एक्स। नाउ टेन एक्स, ध्यान से देखेंगे, टेन एक्स इज इक्वल टू पी और वी, सो वी कैन राइट हियर टेन जीरो। टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी, टेन जीरो जब पी जो है इस पॉइंट पे होगा, एम पे होगा, तो एंगल क्या हो गया जीरो, तो इस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा जीरो, सो परपेंडिकुलर इज जीरो और बेस इज रेडियस, सपोज दिस इज एच, हाइपोटेनस एच, सो एच, तो टेन जीरो इज जीरो। ओके, इसी तरह हम अगर आगे चलें, सो टेन 90 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री की बात करें तो पॉइंट कहां जाएगा हमारे पास, यहां पे एन पे, और इस केस में बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा जीरो, सो वी हैव एच ओवर जीरो और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। टेन 90 डिग्री अनडिफाइंड। अगेन अगर हम टेन 180 डिग्री की बात करें, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कहां पे आ जाएगा, ये मान लेते एम एन, ये पॉइंट मान लेते आर, तो इस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा जीरो और हमारा बेस निगेटिव में चला जाएगा, राइट। सो जीरो डिवाइड बाई माइनस एच ले लेते हैं, सो दिस इज जीरो। एंड अगेन अगर हम 10 270 की बात करें, 270 डिग्री, सो इन दिस केस अगेन हमारे पास जो एंड पॉइंट कहां जाएगा, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, एम एन आर, ये क्यू मान लेते हैं, क्यू तो यहां मान लिया है, एस मान लेते हैं, ठीक है, एस। सो इन दिस केस जो हमारा बेस होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, माइनस परपेंडिकुलर लेंथ, ये हाइपोटेनस लेंथ आ जाएगा, यहां पे पी ओवर बी है, तो ये परपेंडिकुलर माइनस एच आ जाएगा और दिस इज हमारे पास जीरो, तो 10 270 डिग्री इज अगेन अनडिफाइंड। तो इस पॉइंट पे अनडिफाइंड, इस पॉइंट पे अनडिफाइंड, और फिर 10 360 डिग्री की बात करें, राइट, सो दिस इज इक्वल टू अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 360 में ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, परपेंडिकुलर जीरो, अगेन जीरो। सो इस सब पॉइंट से को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि 90 डिग्री पे अनडिफाइंड है, राइट, और 270 डिग्री पे अनडिफाइंड है। तो डोमेन, चूंकि हमारा जो फंक्शन है, इस फंक्शन का पीरियड क्या है, पाई है, राइट, मतलब जैसे हमने साइन एक्स में देखा था कि फंक्शन का पीरियड 2 पाई था, कॉस एक्स में देखा था कि फंक्शन का पीरियड हमारे पास 2 पाई था, लेकिन टेन में हमारे पास पाई है, क्योंकि 180 डिग्री के बाद ये हमारा रिपीट करना स्टार्ट कर लेता। ओके, सो वी हैव डोमेन की बात करें, सो डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है, सारे एंगल पे आएगा, बट कौन से एंगल पे नहीं आएगा, प्लस पाई बाई टू पे नहीं आएगा, माइनस पाई बाई टू पे नहीं, मतलब पाई बाई टू का जो होगा एंगल, उस एंगल पे हमारे पास नहीं आएगा। सो रियल नंबर में से हमें प्लस माइनस पाई बाई टू, ठीक है, फिर थ्री पाई बाई टू, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि थ्री पाई बाई टू कितना, 270 डिग्री, और फिर इसी तरह से चलता रहेगा, दैट इज ये भी प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 और इसी तरह चलता रहेगा। तो ये हमारा हो गया डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। तो आपको यहां पे पता चल गया होगा
कि रेंज क्या होने वाला है फंक्शन का। रेंज अगर हम देखें तो जीरो कहां है, जीरो से हमारे पास इंफिनिटी और जीरो से माइनस इंफिनिटी, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी रेंज का कोई भी नंबर होगा रियल नंबर, मतलब ये माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक हो सकता है। सो रेंज हमारा हो जाएगा पूरा रियल नंबर, दैट इज वी कैन से दैट रियल नंबर, या फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ध्यान देने की बात यहां पे है, जब भी हम माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी लिखेंगे तो जो ब्रैकेट होगा वो स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं लेंगे, क्योंकि इंफिनिटी किसी के बराबर नहीं हो सकता। ओके, तो ये हो गया। अब हमें करना है क्या, ग्राफ को ड्रॉ। तो ग्राफ को ड्रॉ देखिए बहुत ध्यान से करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ओके, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कुछ पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। एक पैरेलल लाइन सपोज ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है। ऐसा क्यों पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हमने, क्योंकि ये हमारा है जीरो, ठीक है, रेड ले लेते हैं, रेड से समझ में आएगा ज्यादा। ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये पाई बाई टू और ये पाई, इधर लेंगे तो माइनस पाई बाई टू और ये हो जाएगा माइनस पाई। अब देखिए टेन जीरो की वैल्यू जीरो है, सो जीरो, और टेन नाइनटी की वैल्यू अनडिफाइन है, मतलब ये जीरो हो जाएगा, टेन नाइनटी की वैल्यू अनडिफाइन है, मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारा कुछ इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और ये कभी टच नहीं करेगा इस पैरेलल लाइन को, 90 डिग्री पे क्या आ रहा है इन्फिनिटी, तो वो कभी टच नहीं करेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगर हम निगेटिव की ओर जाएं तो ये फिर ग्राफ हमारे पास फिर से ऐसा हो जाएगा। आप पॉइंट डाल के भी वैल्यू को, जैसे हमने एक्स एक्सिस और एक्स पॉइंट एक्स वाई का जो पेयर बनाए थे साइन एक्स में और कॉस एक्स में, उस तरह से भी आप 10 0 10 30 10 45 डिग्री 10 60 डिग्री एंड देन 10 90 डिग्री, मतलब यहां पे अगर हम बात करें 0, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 10 पाई बाय, सपोज दिस इज पाई बाय 6 आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये पाई बाय, तो ये पॉइंट आ जाएगा एक्स वाई का करस्पोंडिंग पॉइंट और 90 डिग्री पे पैरेलल हो जाएगा। और हमने देखा कि ये जो लाइन है ये चीज हो गया, तो ये ग्राफ हो गया। अब हमें यहां पे ये देखना है कि ग्राफ जो है आगे, चूंकि ये पाई है और एक लाइन और ले लेते हैं सेम, ये इस तरह से पाई पे क्या हो जाएगा हमारा जीरो, तो ये ग्राफ कुछ आगे जाएगा फिर ऐसे आएगा, अगेन यहां पे पाई पे क्या हो जाएगा जीरो, एक पैरेलल लाइन और ले लेते हैं समझाने के लिए, सो वी हैव द ग्राफ लाइक दिस वन। तो दो तीन चीज बातें समझ में आ गई कि जो माइनस पाई बाई टू से ग्राफ है यहां से यहां तक इस पोर्शन का जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ यहां है, मतलब ये जो ग्राफ है पाई के इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन तो है और इसका पीरियड कितना है पाई है। दूसरा, ये ग्राफ थ्रू आउट इसका जो रेंज है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो ये ग्राफ मतलब माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। और दूसरा कि माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू या माइनस इस पॉइंट पे प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, इस पे ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। सो ये हमारे डोमेन, जो डोमेन होगा रियल नंबर से ये सब पॉइंट्स को निकालना होगा। तो ये है हमारा 10x का ग्राफ और इसका पीरियड आ गया कितना पाई। और एक चीज और कि जीरो से अगर पाई बाई टू की बात करें तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जीरो से माइनस पाई बाई टू की बात करें तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इन सभी बातों को फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कंटेंट को पूरा देखें और कंटेंट को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हाय, आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।